5 किलोमीटर डायमीटर की बात हो। यहाँ जैन समुदाय के जो लोग हैं उनकी आस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी सर्वे को निकालिए, किसी भी रिकॉर्ड को निकालिए, उनका एक बिट्टा जमीन नहीं है तो पहाड़ तो दूर की बात है। उनकी आस्था का, उनकी भावना का सम्मान करते हैं। दूसरी बात, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये हमारे देवता का स्थान है, वो तो अलग विषय है, लेकिन इस पहाड़ से प्रतिदिन लगभग 50 गांव चाची प्रखंड, पीर चाड़ प्रखंड और डुमरी प्रखंड के लगभग 50 गांव के लोग प्रतिदिन हाट बाजार के लिए सामान लेकर आते हैं, चाय पत्ता हो, दोना हो, कैन भेला पियर हो, या फिर हमारे जो हल की सामग्री हो, या हमारा दतवन हो, या पत्ता पाला हो, या चुगरू पत्ता हो। इस पहाड़ से लगभग 50 गांव के लोग आश्रित हैं। अतः जो केंद्र का फरमान आ रहा है कि यहाँ मवेशी भी प्रवेश ना करें, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और इस लड़ाई को लड़ना होगा। यदि आज हम इस पहाड़ को नहीं बचाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ न जाने कितने मोतीलाल मास्की नजर आएंगे। मोतीलाल मास्की आपको याद होगा, जिनके सीने में इसलिए गोली दाग दी गई थी क्योंकि वो पहाड़ पर पाया गया था। क्या पहाड़ पर चढ़ना हमारा गुनाह है? माननीय राज ठाकरे, माननीय ओवैसी साहब को दिखता है अगले समुदाय का दर्द, क्या हमारा नरसंहार किसी को दिखा है? इसलिए आज हम चाहेंगे, माननीय एसपी साहब मौजूद है, माननीय डीएसपी साहब मौजूद है और मीडिया जगत के जितने भी लोग मौजूद है, केवल दो पक्ष रखा जाए, एक पक्ष ना सुनी जाए। ये पहाड़ हमारा है, यहाँ हम सदियों से बास करते हैं, यहाँ से हम लोग, हमारी दिनचर्या का संचालन होता है, ये हमारे आस्था का केंद्र है। तो हम चाहेंगे अंतिम एक मिनट कहेंगे कि हमने क्या नहीं दिया। जो लोग गुजरात से चल कर आए उन्हें अरबपति बना दिया, जो लोग गुजरात से चल कर आए उन्हें अरबपति बना दिया, और आपने यही पीर चार के, मैं चार बेटों का नाम लूंगा, मिहिर बेसरा, किशोर हासदा, अजय महतो और संजय महतो, आपने नक्सली बना दिया। आपके लोगों को हमने अरबपति बनाया, आपके लोगों को हमने अरबपति बनाया और आपने हमारे बेटों को नक्सली बना दिया। ये खेल कब तक होगा? ये अन्याय का खेल कब तक होगा? इसलिए नौजवानों, समय नहीं है, फिर आंदोलन होगा, हम लोग फिर अपनी बातों को रखेंगे और रणनीति फिर तैयार करेंगे, क्योंकि पिछले साल भर में हमने दिखा दिया है कि आंदोलन के माध्यम से आज झारखंड जिंदा है। इसलिए आज आप लोग भी धैर्य रखेंगे, हम मानते हैं आप युवा अवस्था में है, थोड़ी सी आक्रामकता दिखती है, लेकिन अंततः आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग अनुशासन का धीरज रखेंगे। पारसनाथ के लिए अभी हमें बहुत आंदोलन करना है और तमाम आज जितने भी मीडिया हाउस आए हैं, चाहे प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, उन्हें यही कहना चाहेंगे, जिस जय झारखंड, जोहार झारखंड। 15 तारीख के भूलिया ना, माई काकी, जेठा जेठी, दादा दादी सब, परसनाथ के पहाड़ मधुबन मेला में जाना है। झारखंडी सर कटा सकता है लेकिन परसनाथ नहीं बेच सकता है। परसनाथ को बचाना है, झारखंडी के पहचान दिलाना है। जय झारखंड, जोहार झारखंड।